नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं एसआरपी न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 दिसंबर से घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के द्वारा किए जा रहे धरने के चलते नगर की बजाज चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से 2 दिन से मिल की पेराई बंद थी। इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने किसान नेताओं व मिल अधिकारियों से 3 चक्र वार्ता की, परंतु नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। कुल मिलाकर जिलाधिकारी ने भी मिल प्रशासन के पक्ष में बात की, जिसे किसानों ने मानने से इंकार करते हुए अपना धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा ने जब गोला मिल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही तो जिलाधिकारी अनसुना कर गए, जिसके कारण किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी बजाज चीनी मिल के साथ है। जबकि जिले में ही पलिया मिल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, तो फिर गोला मिल के विरुद्ध क्यों नहीं? यह मामला किसानों में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। किसानों के जोश को देखते हुए लगता है कि इस बार गन्ना किसान मिल के झांसे में न फंसकर बल्कि अपना पिछला बकाया भुगतान लिए बगैर नहीं हटेंगे, क्योंकि मिल प्रशासन इससे पूर्व में भी कई बार भुगतान का झूठा आश्वासन देकर अपनी मनमानी करता रहा, लेकिन बात बनी नहीं। 2 बार बैठक हुई डीएम साहब, एसपी साहब, सीडीओ साहब के साथ में, हमारे मंच पर ही बैठक हुई, वार्ता हुई समस्त किसानों के सामने, लेकिन वो सिर्फ चीनी मिल की वकालत करते रहे और किसानों की बिल्कुल अनदेखी कर दी। उन्होंने कहा है वही कुत्ते जैसे टुकड़ा डालने वाली बात की है डीएम साहब ने, एसपी साहब ने, कि 10 करोड़ परसों सोमवार तक 10 करोड़ देने के लिए कहा है, फिर 50 करोड़ कहा है 15 दिन में दे देंगे, और फरवरी तक पूरा भुगतान करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, पहले तो अभी तो इन्होंने 7 नवंबर को विधायक जी को इन्होंने लेटर लिख करके दिया कि 30 नवंबर तक पूरा भुगतान कर देंगे। जानकारी के मुताबिक आपको कोई नोटिस वगैरह चस्पा की गई है, जारी की गया, कोई नोटिस क्या है? हाँ जी, हाँ जी, अभी बताएंगे। 11 नवंबर को एसडीएम महोदय गोला को इन्होंने लिखित पत्र दिया कि 30 नवंबर तक पूरा भुगतान कर देंगे, नहीं किया। अब आप बढ़ाते जा रहे हो किसानों की एक ट्राली पर गन्ना छिलाई का पैसा और ढुलाई का पैसा खर्च होता है 5 से 7 हजार रुपया। डीजल आज 85 रुपए लीटर है, खेत जुताई के लिए पैसा नहीं, बच्चों की फीस जमा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, बच्चों की शादी मुंडन ब्याह बारात के लिए पैसा नहीं है। केसीसी कार्ड का वो पहले से कर्जदार है, आज महाजनों कर्ज के नीचे दबा हुआ है, आत्महत्या के कगार पे जा रहा है, और हमारे पास मुख्य साधन एक गन्ना है, मुख्य जो हमारा संसाधन है वो गन्ना है, और गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा, तो बताएं क्या करें? किसान फांसी लगा ले, मर जाए, धरना दे तो उसको हटवाया जाता है। अरे भाई, पैसा दे दो, तुम कम से कम कुछ तो कहे होते कि 275 करोड़ बाकी है, तो तुम कह देते भैया हम 250 करोड़ दे रहे हैं, 25 करोड़ बाद में दे देंगे, बात अच्छी लगती, किसान सुनता आपकी बात, हो सकता है सहमत हो जाता, लेकिन किसान टूट चुका है, 1 साल से ज़्यादा बीत गया है। अब किसान यहाँ से अपना पूरा गन्ना भुगतान लेने के बाद, जब उसका पूरा गन्ने का भुगतान उसके पैसे में मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, और जब चीनी जो तो तहरीर दी गई है मुकदमा दर्ज करने के लिए चीनी मिल के मालिक के खिलाफ, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तहरीर की नकल मिल जाएगी, हम लोग अपने घर के लिए वापसी कर लेंगे, वरना चाहे 1 महीना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।